दोनों हाथ ऊपर करके आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। आप जानते हैं ये कांग्रेस के लोग मोदी पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं मालूम है? क्यों करते हैं ये कांग्रेस के लोग इतना नाराज क्यों है मालूम है? इतनी गाली गलौज क्यों करते हैं पता है? इसका कारण है क्योंकि मैंने इनके बने बनाए जो भ्रष्ट सिस्टम था ना, उसी को कुचल दिया है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो जीवन में पहली बार वोट देने जा रहे हैं, कर्नाटका का भविष्य तय करने में वो अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। ये नए मतदाता, ये पहली बार बनने वाले मतदाता, 18 साल की आयु के मेरे मतदाता बेटे बेटियां, अब वो कर्नाटका का भविष्य तय करेंगे, साथ साथ वो खुद का भी भविष्य तय करने वाले हैं। उनको मैं आज एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। मेरे नौजवान बेटे बेटियां, पहली बार वोट देने के लिए जाने वाली मेरे बेटे बेटियां, आपको अगर अपना कैरियर बनाना है, अपने मन का काम करना है, तो ये कांग्रेस के रहते संभव नहीं होगा। कर्नाटका में अस्थिरता रही तो आपका भाग्य भी अस्थिर रहेगा। कर्नाटका में स्थिर सरकार नहीं बनी तो आपके संकल्प भी स्थिरता के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटका में शांति की दुश्मन है, कांग्रेस विकास की भी दुश्मन है। जब कांग्रेस होती है वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं, कांग्रेस आतंक के आकाओं को बचाती है, तुष्टीकरण को बढ़ाती है। अभी राजस्थान में आपको पता होगा क्या हुआ। राजस्थान में कुछ साल पहले एक बम धमाका हुआ था, दशकों लोग मर गए थे, 50 से ज्यादा लोग मर गए थे। आप कल्पना कीजिए, इतना भयंकर षड्यंत्र, 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बम धमाका हुआ, लेकिन वहां की कांग्रेस सरकार की पुलिस ने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि धमाका करने वाले सारे के सारे दोषी निर्दोष जेल से छूट गए। उनको सजा नहीं दिलवाई, तुष्टीकरण की यही नीति कांग्रेस की एकमात्र पहचान है। क्या ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? ऐसी कांग्रेस को आने देंगे? क्या कर्नाटका को बर्बाद होने देंगे? क्या आपके भविष्य को तबाह होने देंगे? सहोदर सहोदरिये रे, देश भर में जहां कहीं भी लोग शांति और प्रगति चाहते हैं, वहां सबसे पहला काम करते हैं, जो जो राज्य के लोग जग जाते हैं, जो जो राज्य के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जो राज्य अपने राज्य की प्रगति चाहते हैं, वो पहला काम करते हैं। क्या काम करते हैं?
सबसे पहले वो अपने राज्य से कांग्रेस को बाहर कर देते हैं। जाओ भाई, बहुत हो गया। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। अगर देश प्रगति कर रहा है तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। कर्नाटक ने खुद कांग्रेस का ये खौफनाक चेहरा देखा है। लोग कर्नाटक में आतंक फैलाने की साजिश में गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए मैदान में आ जाती है। ये सच्चाई है कि नहीं है? ऐसे लोगों को कांग्रेस बचाती है कि नहीं बचाती है? अगर ऐसे लोगों को बचाएंगे तो शांति आएगी क्या? इतना ही नहीं, रिवर्स गियर कांग्रेस ऐसे एंटी नेशनल लोगों पर दर्ज मुकदमे ना केवल वापस ले लेती है बल्कि उन्हें छोड़ भी देती है। समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर एंटी नेशनल लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। सहोदर सहोदरी, अरे पूरा देश हमारे सैनिकों का आदर करता है, उन्हें सम्मान देता है। देता है कि नहीं देता है? हम सेना का सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हम हर सैनिक का गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? सैनिक को देख करके हमारा सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता है? आप सबको आनंद होता है, खुशी होती है, लेकिन कांग्रेस को रोना आता है। कांग्रेस रिवर्स गियर हमारी सेना का अपमान करती है, हमारी सैनिकों का अपमान करती है, हमारे सेना के वरिष्ठ लोगों के खिलाफ गालियां बोलने तक का पाप करती है। मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये मोदी का पर्सनल काम है, करना पड़ेगा, करोगे? अच्छा, अगर आप करने वाले हैं तो जरा अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसके फ्लैश लाइट चालू करो, जरा मैं देखो किस कोने से आवाज लाइट दिखती है। सब दूर दिखाइए मुझे। आप अपने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करिए। मेरा काम करोगे? करोगे? मैं काम बताऊं? मैं आपको काम बताऊं? काम बताऊं आपको? देखिए, घर घर जाना है, जाकर के मतदाताओं को हाथ जोड़ करके कहना था कि मोदी जी अंकोला आए थे। क्या कहोगे? और मोदी जी अंकोला आकर के आपको उन्होंने प्रणाम भेजा है, नमस्कार कहा है।